Okay, students, we will start from here today. Some people, notably the landlord of our village and the money lender, maliciously say that he is an imposter and that all his talk about his blue blood is merely the bluff of a rascal. Others like, now see this. Some people, notably landlord of our village. देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं विलेज में, जैसे कि मनी लैंडर भी उनमें इंक्लूड है और लैंडलॉर्ड भी. लैंडलॉर्ड एंड मनी लैंडर मेलिसली से दैट ही इज एन इम्पोस्टर एंड दैट ऑल हिज टॉक अबाउट हिज ब्लू ब्लड. यानी वो दोनों अपने आप को इम्पोस्टर मानते हैं. इम्पोस्टर का मीनिंग इट मीन्स कि वो अपने आप को हेड मानते हैं, रिप्रेजेंटेटर मानते हैं और है भी, बट इसके अलावा मेलिसली इट मीन्स उनका जो बिहेवियर है वो राइट नहीं है उन लोगों के प्रति, पब्लिक के प्रति. एंड दैट ऑल हिज टॉक अबाउट हिज ब्लू ब्लड इज मियरली द ब्लफ ऑफ अ रैस्कल. और उनका जो ब्लड है, ब्लू ब्लड बोला गया है. ब्लू ब्लड का मतलब होता है कि जो उनका अंदर से जो उनका ब्लड भी है वो भी अच्छा नहीं है. किसके लिए? अदर पीपल्स के लिए, अदर पीपल के लिए. मेयरली द ब्लफ ऑफ अ रैस्कल, क्योंकि ऑलमोस्ट वो किस तरह के बिहेवियर वाले व्यक्ति है, किस तरह का उनकी मेंटेलिटी है, रैस्कल के जैसे, यानी वो बदमाश है. इज इट क्लियर? अदर्स लाइक द प्राइस्ट ऑफ द टेम्पल कॉन्सिड दैट हिज एंसेस्टर्स वर सर्टनली अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स बट एज स्वीपर्स. देखिए, अदर्स लाइक द प्राइस्ट ऑफ द टेम्पल. दूसरे, जैसे कि प्राइस्ट ऑफ द टेम्पल की बात करें तो कॉन्सीड दैट हिज एंसेस्टर, वो ये बताता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी जो हमारे पूर्वज थे, वर सर्टनली अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ ग्रेट मुगल. किससे अटैच्ड थे? ग्रेट मुगल के कोर्ट से, यानी ग्रेट मुगल के कोर्ट में वो वर्क किया करते थे, बट एज स्वीपर्स, लेकिन एक स्वीपर्स के रूप में. ठीक है. द लैंडलॉर्ड, द मनी लैंडर एंड द प्राइस्ट आर मैनिफेस्टली जेलस ऑफ एनीवन्स लॉन्ग एंसेस्ट्री, हाउएवर, बिकॉज दे ऑल राइजन फ्रॉम नथिंग एंड इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द स्टेटली रूल्स अराउंड खान आजम खान व्हाट ग्रेस वाज वंस हिज एंड हिज फोर फादर्स. देखें, लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर और प्राइस्ट आर मैनिफेस्टली जेलस, मतलब वो स्पेशली जेलस किया करते थे किसी भी व्यक्ति से जो कि उनका जो एंसेस्टर्स है, मतलब उनका जो बैकग्राउंड है, जिसका बैकग्राउंड उनसे सुपीरियर होता था, उससे वो जेलस करते थे. हाउएवर, बिकॉज दे ऑल राइजन फ्रॉम नथिंग, लेकिन हालांकि जो उनकी स्टार्टिंग थी वो कुछ भी नहीं थी. इट मीन्स वो बहुत अच्छे नहीं थे, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था. एंड इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द स्टेटली रिंस अराउंड खान आजम खान. और ये जो क्लैरिटी है, ये जो ऑब्वियस है, स्पष्टतः ये कहा जा रहा है फ्रॉम द स्टेटली रिंस अराउंड खान आजम खान. अब देखिए, अगर यहां पर बात करें खान आजम खान की, तो वो पूरी तरह से रिल्स हो रखे थे. रिल्स का मतलब जानते हैं? यानी उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी. खान आजम खान की खराब थी, मतलब पूरी तरह से रिल्स हो रखे थे वो. और लेकिन वो हमेशा ग्रेस की बात किया करते थे. ग्रेस मतलब शानो शौकत की बात किया करते थे. वाज वंस हिज एंड हिज फोर फादर्स, किसके बारे में?
अपने फोर फादर्स के बारे में। यस, अब ये बताइए कि खान आजम खान अपने फोर फादर्स के बारे में क्या कहा करते थे। ये कहा करते थे कि मुगल जो है उनके फोर फादर्स मुगल के कोर्ट में वर्क किया करते थे। अब क्या वर्क किया करते थे इट्स नॉट क्लियर, ये बात तो क्लियर है नहीं, बट वो इसी अपनी इसी अकड़ में इसी घमंड में हमेशा रहा करते थे। दैट इज वेरी रॉन्ग, ये बात बहुत गलत है। इसमें एक मॉरल मैसेज दिया जा रहा है इस चैप्टर में। ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, ठीक है, हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। व्हाट वी आर टुडे, आज हम क्या है, हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है। जब तक हम कैपेबल होंगे तभी हम अपने घर का या अपना या अपने परिवार का अपनी फैमिली का सबका भला कर सकेंगे। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स के पास कितना पैसा था या वो कहाँ वर्किंग थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खान आजम खान हमेशा ये कहा करते थे कि उनका मुगल कोर्ट से रिलेशन है, दैट इज वाई वो अपनी झूठी शान दिखाया करते थे जो कि उनको पूरी तरह से रन कर देती है। We will see in the chapter. Only Khan, Ajam Khan's pride is greatly in excess of his present positions, and he is inordinately jealous of his old privileges and rather foolish and headstrong in safeguarding every sacred brick of his tottering house against vandalism. देखो क्या होता है, खान आजम खान की ही स्टोरी इसमें बताई जा रही है अभी कि ओनली खान आजम खान जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड है, बहुत ज्यादा प्राइड है किस चीज का, इज ग्रेटली इन एक्सेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजीशंस। देखिए जो हमारे पास है उस पर ही हमें प्राउड भी करना है, उससे ज्यादा पर हमें प्राउड नहीं करना है। क्योंकि अगर हम कोई चीज परचेज नहीं कर सकते हैं और हम अपने प्राउड में उसको परचेज कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। इसलिए ऑथर यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाह रहा है कि हमें उतना ही खर्च करना है, उतने ही अपनी चीजें अपने शौक रखने हैं जितना कि हमारे पास हमारी पॉकेट अलाउ करे, समझ गए। तो प्रेजेंट पोजीशंस जो है उनकी बहुत कम थी, अभी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, एंड ही इज इनऑर्डिनेटली जेलस ऑफ हिज ओल्ड प्रिविलेजेस, यानी कि वो जेलस करते थे, किससे जेलस करते थे, ओल्ड प्रिविलेजेस से। ओल्ड प्रिविलेजेस मतलब पुरानी जो उनकी चीजें थी उनसे वो दूसरे जेलस क्या करते थे, एंड रेदर फुलिश एंड हैड स्ट्रॉन्ग इन सेफ गार्डिंग एवरी सेक्रेड ब्रिक ऑफ हिज टॉटरिंग हाउस। देखो एंड रेदर फुलिश, और वो इतने मूर्ख थे, एंड हैड स्ट्रॉन्ग इन सेफ गार्डिंग एवरी सेक्रेड ब्रिक ऑफ हिज टॉटरिंग हाउस, यानी जो उनका हाउस था उसकी उन्हें उसे सुरक्षित करके रखना था। अगर उनके एंसेस्टर ने उनका घर बनवा के उनको दिया था तो एटलीस्ट उसको सेफगार्ड करना था उनको, बट उन्होंने क्या किया, वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब है बुरा, फालतू की बातों में, बंडल यानी बिल्कुल बेकार, ऐसी बातों में उन्होंने क्या किया, अपने घर को ही बिल्कुल दांव पर लगा दिया, यानी सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। किस कारण से, केवल अपने इस प्राइड से कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा था, और अगर हमारा पास्ट अच्छा था तो हमें प्रेजेंट भी अच्छा बनाना होगा, और हमें अपनी वंडलिज्म पर मतलब वंडलिज्म पर ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि वंडलिज्म क्या है, वो हमें क्या करती है, कंफ्यूज कर देती है, ओके। और हम बहुत ज्यादा प्राउड हो जाते हैं, और जब हम प्राउड हो जाते हैं तो हम वैसे काम करने लगते हैं जो हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। हमारे पास जितना मनी होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रहना चाहिए, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं बंडलिज्म के लिए, बिना बात के लिए वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। इसको हम आगे चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। खान आजम खान हैपन टू गो टू द मनी लेंडर शॉप टू पॉन हिज वाइफ्स गोल्ड नोज रिंग वन मॉर्निंग एंड ही नोटिस्ड द अपटर्निंग टेंडेंसी ऑफ द हेयर ऑन रामानंद्स अपर लिप विच मेड द मनी लेंडर्स गॉट मस्टर्ड लुक ऑलमोस्ट लाइक हिज ओन टाइगर मस्टर्ड। अब देखे क्या हुआ, खान आजम खान जब वहां पर गए तो किस लिए गए थे, पैसा लाने के लिए मनी लेंडर के पास, टू पॉन हिज वाइफ्स गोल्ड नोज रिंग, यानी कि उनकी नथ, अपनी वाइफ की नथ को वहां गिरवी रखने के लिए गए थे। वन मॉर्निंग एंड नोटिस्ड द अपटर्निंग टेंडेंसी ऑफ द हेयर, उन्होंने देखा, नोटिस किया, क्या नोटिस किया, अपटर्निंग टेंडेंसी, यानी उनकी मूछे जो हैं, उसके बाल, किसके मूछों के बाल, रामानंद के मूछों के बाल, अपर लिप ऊपर की तरफ उठ रखे हैं, विच मेड द मनी लेंडर्स गोट मस्टेक्स, यानी कि मनी लेंडर को गोट मस्टेक्स के लिए अलाउ था, यानी मनी लेंडर साहूकार जो कि बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनकी मस्टेक्स जो है गोट मस्टेक्स हमने आपको बताया था, यानी कि नीचे तक इस तरह से आई हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने अपनी मस्टेक्स को थोड़ा ऊपर कर रखा था, इसकी तरह टाइगर मस्टेक्स की तरह। अब लुक ऑलमोस्ट लाइक हिज ओन टाइगर, अब इनकी मस्टेक कैसी थी, आजम खान की टाइगर मस्टेक्स, ठीक है। अब जब इनकी टाइगर मस्टेक्स थी और उस दिन मनी लेंडर ने क्या कर रखा था, मनी लेंडर की कैसी मस्टेक्स हुआ करती थी, कैसी मस्टेक्स हुआ करती थी मनी लेंडर की, गॉट मस्टेक्स, और जबकि उस दिन कैसी कर रखी थी उसने, टाइगर मस्टेक्स। अब टाइगर मस्टेक्स किसकी थी, किसके लिए अलाउ थी टाइगर मस्टेक्स, किसके लिए अलाउ थी टाइगर, यस, जो खान, इट मीन्स जो अच्छी, मतलब अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उन लोगों के लिए टाइगर मस्टेक्स थी, ठीक है। जो अच्छी ऊपर, मतलब आपको ये बताना चाहूंगी मैं कि जो कि हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग, जबकि वो हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे, रियलिटी में वो बहुत गरीब हो चुके थे, जिसे कि अपनी वाइफ की गोल्ड नोज रिंग को बेचना पड़ रहा था या गिरवी रखना पड़ रहा था, तो दैट्स व्हाई अभी उनको ज्यादा अपने आप को सुपीरियर मानने की जरूरत नहीं थी। व्हाट हैपेंड देयर वी विल सी। अब उन्होंने क्या कहा, Since Ben have the land-eating shopkeepers become nobleman, उसने कहा कि आप तो shopkeepers हो और आपने अब nobleman कैसे बन गए हो? He asked sourly, उसने sourly मतलब यहाँ पर गुस्से में पूछा, ठीक है, किसने पूछा ये बात? Yes. किसने पूछी थी ये बात, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, किसने पूछा था, खान आजम खान ने ये पूछा कि आप जो सिंपल, सिंस वेन हैव द लैंड ईटिंग शॉपकीपर्स, इट मीन्स जो सिंपल भोजन करने वाले सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स बहुत अमीर नहीं हुआ करते ये कहा जाता है, तो इट मीन्स उसने कहा कि नॉवल मैन की तरह तुम बिहेव क्यों कर रहे हो, ही आस्क्ड, खान आजम खान ने पूछा। आई डोंट नो व्हाट यू मीन खान, रामानंद आंसर, रामानंद ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता, व्हाट यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है खान, यू नो व्हाट आई मीन सीड ऑफ अ डंकी, सेड द खान, खान ने कहा तुम जानते हो, What I mean? मेरा क्या मतलब है? Seed of a donkey. This is also
अब्यूजिंग वर्ड, ठीक है, उसने कहा, उसको डंकी से कंपेयर कर दिया. तो लुक एट द वे यू हैव टर्न द टिप्स ऑफ योर मस्टेक अपवर्ड्स. तुमने देखा नहीं, तुमने अपने मूंछों को ऊपर कर रखा है. इट ऑलमोस्ट लुक लाइक माई टाइगर मस्टेक. अरे ये तो मेरी टाइगर मस्टेक की तरह दिखाई दे रही है. टर्न द टिप्स डाउन टू द स्टाइल प्रॉपर टू द गोट दैट यू आर. टर्न द टिप्स डाउन, नीचे करो, जो तुमने टिप्स ऊपर कर रखी है उनको गोट मस्टेक की तरह करो, ठीक है. डाउन टू द स्टाइल ऑफ प्रॉपर टू द गोट दैट यू आर, जो कि तुम्हें होनी चाहिए. तो किस तरह की मस्टेक्स अलाउ थी बिजनेसमैन को, शॉपकीपर्स को? गोट मस्टेक. लेकिन उसने क्या कर रखी थी, अपनी मस्टेक को ऊपर कर रखा था. हाँ, अब जब उन्होंने ऊपर कर रखा था मस्टेक को, तो उसे ये बात पसंद नहीं आई खान को, और उसने कहा अब तुम इसको नीचे करो अपनी मस्टेक को. गोट दैट यू आर फैंसी द एयर्स ऑफ पीपल nowadays. देखिए उसने कहा फैंसी, ये तो फैंसी है, मतलब फेमस है इस समय. चेंजेस लाना, द एयर्स ऑफ द पीपल nowadays, यानी आजकल ये चेंज हो चुका है, ठीक है. ओ खान डोंट गेट सो एक्साइटेड, उसने कहा इतना एक्साइटेड मत हो. सेड द मनी लेंडर, मनी लेंडर ने कहा Who was nothing if he was not amenable, having built up his business on the maxim that the customer is always right. उसने कहा अरे खान, don't get so excited, इतना नाराज मत हो. Who was nothing if he was not amenable, having built up his business. जो कुछ भी नहीं हो उसको भी हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, having built up his business, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस चलाना है on the maxim that the customer is always right. उसने कहा सबसे बड़ी बात तो ये है कि कस्टमर जो है वो हमेशा राइट होता है, हमेशा सही होता है. तो I tell you, turn the tip of your mastic down if you value your life. रेज्ड खान आजम खान, उसने खान आजम ने खान ने कहा, खान आजम खान ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, टर्न द टिप ऑफ योर मस्टेक डाउन, कि तुम अपनी मूंछों को डाउन करो. इफ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो, ठीक है. आगे, इफ दैट इज ऑल द ट्रबल हेयर यू आर, सेड रामानंद ब्रशिंग वन एंड ऑफ हिज मस्टेक विद हिज ऑयली हैंड सो दैट इट ड्रॉप्ड लाइक अ डेड फ्लाई. कम शो मी द ट्रेंड्स, हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर दैम. अब उसने कहा इफ दैट इज ऑल द ट्रबल, अगर तुम्हें यही परेशानी है, हेयर यू आर सैड रामानंद ब्रशिंग वन एंड ऑफ हिज मस्टेक, एक तरफ की मूंछ उसने क्या करी, नीचे कर ली, विद हिज ऑयली हैंड, अपने ऑयली हैंड से. सो दैट इट ड्रॉप्ड लाइक अ डेड फ्लाई, वो कैसी लगने लगी, जैसे कि डेड फ्लाई हो. फ्लाई मतलब क्या होता है, फ्लाई. लक्ष्मी, प्रिया बताइए. यस मैम. फ्लाई क्या होता है? उड़ना. अरे उड़ना. उड़ना तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर फ्लाई का मीनिंग क्या है? फ्लाई का दूसरा मीनिंग भी होता है, नहीं पता? मक्खी. मक्खी, यस. ऐसा लग रहा था कि जैसे डेड फ्लाई हो, मरी हुई मक्खी. कम शो मी द ट्रिंकेट्स, हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर दैट. उसने कहा दूसरे भी अपने ट्रिंकेट्स ले आओ, अपनी चीजें ले आओ, और कितना पैसा उनके लिए चाहते हो लाकर मुझे दिखाओ. नाउ दैट खान आजम खान्स प्राइड वॉज अपीज्ड, ही वॉज लाइक सॉफ्ट बैक्स इन द मर्चेंट्स योर हैंड. उसने देखिए, खान आजम खान जो था
उसका प्राइड जो था अब अपीज्ड हो गया और ज्यादा उसे घमंड आ गया. ही वॉज लाइक सॉफ्ट बैक्स. वो कैसा था? सॉफ्ट बैक्स यानी मोम के जैसा. इन द मर्चेंट स्योर हैंड यानी मर्चेंट जो था स्योरली उसे अपने हैंड में ले सकता था. ठीक है, अब उसके ऊपर उसने अटैक किया एक तरीके से और उसे ये बता दिया कि देखो भाई हमने एक तरफ का मूछ नीचे कर लिया है और आप जितने भी ट्रिंकेट्स हैं अपनी चीजें हैं लाओ, उनके लिए कितना पैसा चाहते हो. अब क्या हुआ, खान आजम खान का जो प्राउड था वो और ज्यादा ऊपर आ गया और वो जानता था मर्चेंट कि ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है इसलिए इसको अपने हैंड में कर लेना, अपने काबू में कर लेना आसान है. हिज नीड एंड द नीड ऑफ हिज फैमिली फॉर फूड वॉज ग्रेट एंड ही अम्बली एक्सेप्टेड द वैल्यू विच द मनी लैंडर पुट ऑन हिज वाइफ्स नोज रिंग. अब देखिए क्या था, उसने कहा हिज नीड एंड द नीड ऑफ हिज फैमिली, उसके घर की जो आवश्यकताएं थी वो ज्यादा थी, वॉज ग्रेट एंड ही अम्बली एक्सेप्टेड, उसने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया वैल्यू यानी जितना पैसा उसने दिया मनी लेंडर ने पुट ऑन हिज वाइफ्स नोज रिंग, अपनी वाइफ की नोज रिंग के लिए. नाउ बट एज ही वॉज डिपार्टिंग आफ्टर नेगोशिएटिंग हिज बिजनेस ही नोटिस्ड दैट दो वन एंड ऑफ द मनी लेंडर्स मस्टैक हैड कम डाउन एट हिज बीहेस्ट द अदर एंड वॉज स्टिल ऑन. देखो अब क्या था, जब वो जाने लगा नेगोशिएटिंग हिज बिजनेस अपना वर्क कर करा के मतलब अपने पैसे लेके नोज रिंग से जो उसको पैसे मिले नोज रिंग से उसकी नख से और वो लेके जाने लगा, उसके बाद उसने नोटिस किया कि उसका जो दूसरी तरफ का मस्टेक है वो अभी भी ऊपर है. ठीक है, अब ये बात उसको अच्छी नहीं लग रही थी खान आजम खान को. अ स्ट्रेंज ट्रिक यू हैव प्लेड ऑन मी यू स्वाइन द खान सेड. खान ने कहा कितनी विचित्र बात है, यू हैव प्लेड ऑन मी, कैसी ट्रिक प्ले की है तुमने, यू स्वाइन द खान सेड. स्वाइन यूज किया उसके लिए. एंड द खान सेड, खान ने कहा आई हैव पेड यू द बेस्ट वैल्यू फॉर योर ट्रिंकेट खान दैट एनी मनी लैंडर विल पे इन दीज पार्ट्स ही सेड स्पेशली इन दीज डेज व्हेन द सरकार्स ऑफ द होल वर्ल्ड आर थ्रेटनिंग टू गो ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड. I have paid you the best value. मैंने तुम्हें सबसे अच्छे सबसे ज्यादा जो पैसे मिल सकते थे वो दे दिए तुम्हारी ट्रिंकेट के लिए. खान that any money lender will pay in these parts. यानी पूरी इन पार्ट में एरिया में जो भी मनी लेंडर है जितने भी साहूकार हैं, उससे ज्यादा पैसा मैंने तुमको दे दिया है. इट मीन्स अच्छा पैसा इस नथ के लिए दे दिया है. He said especially in these days, इन दिनों when the sarkars of the whole world are threatening to go off the gold standard. पूरी सरकार जो है गवर्नमेंट जो है वो ये बार बार वार्निंग दे रही है कि अब गोल्ड का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है, अब इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रिंकेट सेड आजम खान. आजम खान ने कहा कुछ नहीं करना मुझे ट्रिंकेट से, बट वन एंड ऑफ योर ट्रिंकेट मीन्स वही नोज रिंग. ठीक है, नोज रिंग को ट्रिंकेट भी बोलते हैं. तो वट वन एंड ऑफ योर मस्टेक इज स्टिल अप लाइक माय टाइगर मस्टेक. उसने कहा लेकिन मेरी जो एक तरफ का तुम्हारा टाइगर मस्टेक की तरह उठा हुआ है एक तरफ का मस्टेक, दो यू हैव ब्रॉट डाउन द अदर्स अदर टू, क्या तुम नीचे फिर से दूसरी भी ले आओगे गोट मस्टेक की तरह करोगे. योर प्रॉपर गोट्स स्टाइल, तुम अपना जो तुम लोग यू हैव ब्रॉट अप डाउन द अदर टू योर प्रॉपर गोट्स स्टाइल यानी तुम्हारी मूछें गोट स्टाइल की भी की ही होनी चाहिए.
bring that other and down also so that there is no apping by your mustaches of mine. उसने कहा देखिए तुम हमारे मस्तक की कॉपी मत करो, एपिंग मतलब कॉपी की कॉपी मत करो, हमारे जैसे मस्तक मत रखो, यानी कि टाइगर मस्तक मत रखो, जैसी फैमिली में तुम्हारा ब्रॉट अप मेंट हुआ है वैसे ही तुम रहो. नाउ खान सेड द मनी लैंडर, अब खान ने मनी लैंडर से कहा आई अम्बल्ड माई सेल्फ, उसने कहा मैं खुद ही बहुत हम्बल हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस विद मी, आप तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो, यू कांट एक्सपेक्ट मी टू बिकम अ मियर बॉम जस्ट बिकॉज यू हैव पॉन्ड अ ट्रिंकेट विद मी. अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, तुम ये उम्मीद नहीं रख सकते मी टू बिकम अ मियर बॉम जस्ट बिकॉज यू हैव पॉन्ड अ ट्रिंकेट विद मी, क्योंकि तुमने अभी के अभी मुझे एक ट्रिंकेट दी है. ठीक है, ट्रिंकेट का मतलब नथ दी है, चेंज करवाया है मुझसे अपना जो भी तुमने पैसे लिए हमसे. इफ यू वर प्लेसिंग सम मोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उसने कहा अगर तुम चाहो और इससे भी ज्यादा महंगी ज्वेलरी लेके आओ. ठीक है, इफ यू वर प्लेसिंग सम मोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी आई माइट कंसीडर ओवरलेगिंग यू अ लिटिल मोर, तो फिर मैं क्या करूंगा ओवलाइजिंग यू अ लिटिल मोर, तो मैं तुम्हें कुछ और ज्यादा ओवलाइज कर सकता हूँ. कहने का मतलब ओवलाइजिंग क्या करूंगा, मैं दूसरी वाली मूछ भी नीचे कर लूंगा. क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? यस सर. ओके, अब आगे क्या होता है वी विल सी. Anyhow, my humble milk skimmer doesn't look a bit like your violet tiger mustard. Anyhow, जैसे तैसे, my humble milk skimmer doesn't look a bit like your violet tiger mustard. यानी कि वो कहता है कि milk skimmer जो है वो भी A bit like your, वो भी दिखाई देते हैं टाइगर मस्टर्ड का यूज करते हुए. कहने का सेंस ये देखिए, यहाँ पर एक मोरल मैसेज दिया जा रहा है कि अभी आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, आपको वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, वो उसको फुलिश बनाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम इससे इसकी दूसरी ज्वेलरी भी ले लें. तो दैट्स व्हाई उसने इसी चलाकी से एक तरफ का क्या किया था, नीचे किया था, और दूसरे तरफ का मस्टेक ऊपर रखा था. अब देखिए आगे, ब्रिंग दैट टिप डाउन, खान आजम खान रोड फॉर द मोर ही हैड लुक्ड एट द मनी लेंडर्स मस्टेक, द मोर स्टिल अपटर्न टिप सीम्ड टू हिम लाइक एन एफर्ट एंड एन इमिटेशन ऑफ हिज ओन. अब एक तरफ की मूछ जो ऊपर हो रखी थी उसको बार बार इस बात पर गुस्सा आ रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो यहाँ पर मेरी इमिटेशन कर रहा है, इमिटेशन मतलब मेरी नकल कर रहा है और एक तरफ की मूछ को ऊपर किए हुए है. ओके, नाउ बी सेंसिबल खान द मनी लैंडर सैड waving his hand with an imperturbable calm. Now be sensible, Khan, the moneylender said. Moneylender ने कहा, waving his hand, अपना हाथ हिलाते हुए, with an imperturbable. Imperturbable का मतलब है यहाँ पर उसको silent होने के लिए. I tell you, turn that tip down, or I shall. Bring your neck, said the Khan. मैं तुम्हें बताता हूँ, turn that tip down, अपनी tip को down करो, और I shall bring your neck. नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन पर मार दूंगा.
said the Khan. Khan ne kaha, all right, the next time you come to do business with me, next time tum mere paas aakar, matlab mujhse baat karna, I shall bring that tip down, answered the money lender cunningly. यानी जब तुम दोबारा कोई चीज लेके आओगे ज्वेलरी, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें वापस कर दूंगा, मतलब वापस अपनी मुझको नीचे कर लूंगा, वापस इसी बिहेवियर को कर लूंगा. व्हाट आर द टाइमिंग फॉर क्लास लक्ष्मी? यस मैम. Time is over now? Yes, ma'am. Okay. Now I want to close. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you.